जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश राची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश ओम तत्पुरुषाय विदमहे महादेवाय धीमहेद्र प्रचोदया आकाशे ताड़का लिंगम पाताल मृत्यु लोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते जब महादेव के गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो पहले उनको हम बोलते हैं तत्पुरुष ठीक है मतलब द एब्सुल्यूट ह्यूमन मतलब जिसके बाहर कुछ नहीं है जिसके अंदर ही सब है महादेवाय मही महादेव मतलब जो सब देवता के पूजनीय है वो महादेव तन्नो रुद्र प्रचोदयात मतलब जिनका नाम रुद्र है उन महादेव को नमस्कार है उसके बाद आकाश में ताड़का लिंग के रूप में विराजते हैं पाताल में हटिकेश्वर के नाम से विराजते हैं और हमारे पृथ्वी पर महाकाल के रूप में विराजते हैं उन रुद्र को नमस्कार है मतलब जो हम शिव बोलते हैं आदि योगी शिव ठीक है शंभु बोलते हैं ये अलग अलग नाम है लेकिन जो वेद में महादेव का नाम है वो रुद्र है जो गायत्री में महादेव का नाम बताया गया है वो रुद्र है तो रुद्र ऐसे तो हम मानते हैं कि रुद्र जो क्रोधित स्वरूप है महादेव का वो है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है महादेव का स्वरूप ही रुद्र है रुद्र ही महादेव है महादेव ही रुद्र है तो इनके अघोर स्वरूप का एक मंत्र है एक दशाक्षरी मंत्र है ठीक है जो कि महादेव के अघोर स्वरूप का है इसके जाप का एक विधान है वो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें हम एक रुद्राक्ष रखेंगे ग्यारह मुखी ठीक है ग्यारह मुखी जो रुद्राक्ष रखेंगे उसमें एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो ऊपर और नीचे का मुख है वो खुला ना हो जनरली जब आप रुद्राक्ष बाजार से खरीदते हैं तो उसमें छेद रहता है जिससे कि आप उसमें माला पिरो सके लेकिन जो हायर एंड रुद्राक्ष होता है आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह तक इसमें ऐसा होता है कि आप बिना छेद वाला रुद्राक्ष भी ले सकते हैं तो ऐसा एक रुद्राक्ष लेंगे ठीक है उसको एक छोटे से चांदी के बर्तन में रखेंगे ठीक है और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र को मतलब दो पतला पतला वस्त्र लो और जैसे रस्सी पिरोते हैं वैसे पिरो करके और इस रुद्राक्ष के चारों तरफ घुमा के रख दो ठीक है उससे ये होता है कि ये रुद्राक्ष एक तो हिलेगा नहीं दूसरा इस रुद्राक्ष का वस्त्र वही होगा और ये रुद्र रूप में अब महादेव की स्थापना हो गई आपके पास ठीक है इस रुद्राक्ष के साथ हमेशा पांच तत्व आपको रखना चाहिए मतलब पांच छोटी छोटी और कटोरियाँ रखिए चाहे पीतल की रखिए या चांदी की रखिए छोटी छोटी कटोरी चालीस पचास रुपये में आ जाए वैसी कटोरी तो उसमें रोज सुबह आपको एक में गंगा जल एक में मधु एक में घी एक में दही एक में दूध रखना होगा ठीक है और ये इस रुद्राक्ष को दिखा करके रोज आपको वापस रखना होगा इसको दिखाने का मतलब होता है कि आपने अर्पण कर दिया अभी क्या है कि हम लोगों में ये प्रचलन है कि जब तक आपने फोटो पे नहीं लपेड़ा प्रसाद जब तक आपने शिवलिंग में नहीं लपेड़ा प्रसाद तब तक जो है प्रसाद ग्रहण नहीं हुआ मैं एक समय में विद्यार्थी परिषद में कार्यरत था मतलब आ, सेवक था तो हमें महा शिवरात्रि के दिन एक यहाँ बहुत बड़ा शिव मंदिर है वहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया कि आप व्यवस्था देखें तो मैं बड़ा अरुष्ट हुआ शुरुआत में मैं बड़ी बड़ा विरोधी स्वभाव का था तो हम लोगों को लगाया गया शिवलिंग के आसपास कि देखिएगा कोई शिवलिंग को ये नहीं करे वो नहीं करे कोई छुए नहीं तो हमने बोला यार क्या है जब लोग भक्त पूजा करने आ रहे हैं तो आप शिवलिंग को छू नहीं नहीं तो दोगे तो फिर क्या फ़ायदा है शिवलिंग का तो उन्होंने बोला आप रुको और अब खेल देखो क्या होता है यहाँ पे कुछ लोग दूर से फेंक के दही महादेव को कोई दूध हमारे ही सर पे डाल रहे हैं मतलब कैसे भी महादेव तक पहुंचना चाहिए तो हम लोगों को भी अगरबत्ती जला जला करके सीधे शिवलिंग पे दूर से फेंक रहे हैं ठीक है अत तब हो गया जब एक महिला को कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने पकड़ा वो नारियल लेके सीधे शिवलिंग पर फोड़ने जा रही थी ठीक है तो हम लोगों में तो भाई मान्यता है कि जब तक शिवलिंग के ऊपर भगवान की तस्वीर के ऊपर कुछ नहीं दे दिया तब तक वो ग्रहण नहीं हुआ लेकिन वैसा करना नहीं है जब आप रुद्र रूप में इनको आप रखेंगे तो कभी भी इनके ऊपर कुछ मत चढ़ाइएगा ठीक है पुष्प चढ़ाइएगा तो एक पुष्प इनके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं वो लाल नहीं होना चाहिए और जहां इनको पुष्प चढ़ाएंगे उसके नॉर्थ में आप एक लाल पुष्प उस जो बर्तन आपने रखा है उसके बाहर एक लाल पुष्प चढ़ाएंगे ओम दुंग दुर्गाए नमः करके ठीक है वहां पर माना जाता है कि दुर्गा का वास होता है जहां पर आपने शिवलिंग का स्थापना किया उसके बाद आपको क्या करना है पंच पूजा करना है जो धूप है जो दीप है जो नवेद है वो आपको दे देना है ठीक है भगवान का ध्यान तिब्बत के तिब्बत के सुदूर सुदूर पहाड़ियों में करनी है देखो तिब्बत का बड़ा महत्व तो है क्योंकि उसको वज्र क्षेत्र बोला जाता है वज्र क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे वज्रपात बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो वज्र क्षेत्र में महादेव बैठे हुए अपने पाँच मुखों के साथ ऐसा आपको ध्यान करना है उसके बाद भगवान का ध्यान करना है ठीक है ओम तत्पुरुषाय विदमहे महादेवाय धीमहि तन्नोरुद्र प्रचोदयात उसके बाद प्रणाम मुद्रा में आ जाना है उसके बाद त्रम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमेव बंदना मृत्यु ये सात बार पढ़ना है अब इसमें कोई तेज बन के इसको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ देना मतलब बीज मंत्र इसमें नहीं लगाना मृत्युंजय मंत्र ही हमें पढ़ना है मृत्युंजय मंत्र सात बार पढ़ने से होता है कि हमारे शरीर में जो भी त्रुटियाँ हों क्योंकि जब आप महादेव की साधना करते हैं तो गलती का कोई स्कोप नहीं होता है तो शरीर का एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों स्वस्थ होना चाहिए तो सात बार जब आप महामृत्युंजय मृत्युंजय पढ़ते हैं तो आपका बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों हील हो जाती है ठीक है उसके बाद अघोर मंत्र पहला पढ़ेंगे ओम ह्रीम ह्रिम शौ फट स्वाहा इक्कीस बार कितनी बार इक्कीस बार क्या मंत्र है मंत्र है ओम ह्रीम फट स्वाहा ठीक है ये जब इक्कीस बार पढ़ देंगे तो फिर महादेव को दीपक दिखाएंगे ठीक है महादेव के ठीक सामने दीपक रखेंगे और उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेंगे पांच मुखी रुद्राक्ष हो सकता है लेकिन उसमें फिर जो गुरु होगा वो तीन मुखी का होगा नहीं तो जो तीन मुखी का पूरा रुद्राक्ष ले सकते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं तीन मुखी का रुद्राक्ष लीजिए ये साधना आपको यह साधना नहीं है एक पूजा विधान है जो आपको जीवन भर करना चाहिए अगर आप रुद्र को सिद्ध करना चाहते हैं ठीक है और जो मेन मंत्र है जो 108 बार करना है वो है ओम राम श्याम राम श्याम राम श्याम राम चाम राम ओम ठीक है इस मंत्र को 108 बार करना है ये घोर मंत्र है इस मंत्र को करने से क्या होगा मतलब जितना मैं फ़ायदा बता सकूँ एक साधक के लिए उतना फायदा इस एक मंत्र से आपको होगा ठीक है इसके लिए बहुत इसका वर्णन देने की आवश्यकता है आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने लिए कॉल फॉर आप डाउनलोड कीजिए उसमें करिएगा तो मेरा पता ही मिलेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट एक्ट वो है या फिर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर व्हाट्सअप कीजिएगा तब भी आपको जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए महादेव आपकी कृपा बनाए रखें आप सभी को आदेश आदेश